गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरमान सर। आपको हमने चैप्टर 2.2 में हमने फार्मूला बताया था और कहा था आपको हमने 2.3 में आपको इस फार्मूले का यूज़ करना सिखाएंगे। जैसे हमारा पहला फार्मूला आपको हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद हो गया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आज आपको हम ये दो फॉर्मूले का उपयोग करना सिखाएंगे अच्छे से आपको, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, जिसे मान लिया हमारा 5x माइनस 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 5x, प्लस लग गया तो नंबर को अलग कर देता है, प्लस माइनस बीच में आता है तो नंबर को उसने क्या करता है, वो अलग कर देता है, ठीक है। तो 5x हमारा पहला नंबर मतलब कि a हो गया, और प्लस 3y हमारा क्या है, b, मतलब कि हमारा दूसरा नंबर हो गया। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले आप फॉर्मूला को लिखिए, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ हमारा फॉर्मूला होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस लगेगा ना, क्योंकि हमारा प्लस का फॉर्मूला है कि नहीं। तो देखिए 5x प्लस 3y, तो 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 5x है, a की वैल्यू हमारी कितनी है 5x, और b की वैल्यू कितनी है हमारी 3y। तो यहाँ कितना रखेंगे हम लोग, 5x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारी कितनी है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे 2ab। ये 2ab हमारा मल्टीपल में है, ठीक है। तो 2 का 2 रहेगा, इंटू लगाएंगे, a की वैल्यू हमारे कितनी है 5x इंटू b की वैल्यू हमारी कितनी है 3। समझ में आ रहा कि नहीं, a की वैल्यू हमारे 5x का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25 और x का h स्क्वायर, क्लियर। प्लस का प्लस लगा दीजिए, सिंपल। तो देखिए मैथ सीजी कुछ नहीं होता, मैथ में अगर आपको एक स्टेप मालूम चल जाए तो नेक्स्ट स्टेप आपको अपने आप मालूम होता चला जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर, तो कितना को हमारा 9, और y का भी स्क्वायर है ना, क्योंकि हमारा होल लगा है कि नहीं, यहाँ y स्क्वायर प्लस। अब देखिए ये तीनों क्या है, मल्टीपल में है कि नहीं, आपको हमने गुणा करना सिखाया कि नहीं, xy वाला। देखिए यहाँ पर गिनती का गुणा, गिनती में कर लीजिए, 2 × 5 = 10, 10 यहाँ कितना होगा 30 लिख देंगे, और एक ठो एक्स है एक ठो वाई है। और आपको हमने ऐड भी करना सिखाया, देखिए ये स्क्वायर वाला है, ये वाई स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाई वाला है, ये ऐड होगा नहीं ऐड होगा ना, हमने क्या बताया था, जो सेम टू सेम चीज़ें होती हैं वही केवल ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हमारा हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ना समझ में आया हो तो और देख सकते हैं आप लोग, अपॉन भी आ गया तो अपॉन भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 2x / 3 प्लस 5x / 4, 4 नहीं लिखते हैं यहाँ, लिख देते हैं हम लोग 3, 5x नहीं 5y ले लेते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर। हमारा नंबर कितना है 2x / 3 प्लस 5y / 3 का होल स्क्वायर। तो यह हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है कि नहीं, होल लगा है स्क्वायर लगा है बीच में प्लस लगा है हमारा, तो फॉर्मूला हमारा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसलिए हमारा 2x / 3 प्लस 5y / 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 2x / 3 और b की वैल्यू कितनी है 5y / 3। तो यहाँ कितना करेंगे 2x / 3 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, b की वैल्यू कितनी है 5y / 3, तो 5y / 3 का होल स्क्वायर प्लस
ठीक है, 2AB, तो 2 को 2 लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2x/3 इंटू, और b की वैल्यू हमारी कितनी है 5x/3, ठीक है। फिर इक्वल लगाएंगे, यहां होल स्क्वायर लगाया कि नहीं, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4, और एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर हमारा कितना आता है 9, सिंपल है। फिर प्लस लगा देंगे, 5 का स्क्वायर 25, वाई का वाई स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, प्लस लगाएंगे। अब देखिए भिन्न में है, फ्रैक्शन में है कि नहीं, मल्टीपल में है, तो हम लोग कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 2 × 4, 4 × 5 = 20, 4 × 5 कितना कितना होगा 20 एक्स वाई, और नीचे 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 कर देंगे हम लोग, 3 × 3 = 9, ये हमारा मल्टीपल हो गया। ये फॉर्मूला का हमने यूज कर लिया हम लोग, आगे देखिए आंसर हमारा 2x/3, 5y/3 का होल स्क्वायर हमारा कितना आंसर आया 4x² / 9 प्लस 25y² / 9 20xy/9, ये तीनों ऐड नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, ये हमारा अलग अलग है, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हो गया ठीक है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, अब माइनस का फॉर्मूला यूज करना सिखाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहां पर हमारा 7a - 8b का होल स्क्वायर, यहां फॉर्मूला हमारा कौन सा लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर, देखिए 7a है, माइनस लग गया, 8b और होल लगा है, ब्रैकेट लगा है और स्क्वायर, तो यहां हमारा फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं अगर आप, उसको पहले एक लाइन में लिख लीजिए, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, इसलिए 7a - 8b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू हमारी कितनी है 7a, तो यहां 7a, b की वैल्यू हमारी कितनी है 8b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए प्लस के फॉर्मूले में, माइनस के फॉर्मूले में केवल एक ही चीज़ का डिफरेंट है, वहाँ प्लस 2ab था प्लस वाले फॉर्मूले में, और माइनस वाले फॉर्मूले में हमारा कितना है माइनस 2ab, तो 2 का 2 लिखेंगे, a की वैल्यू 7a, b की वैल्यू 8b, फिर इक्वल लगा देंगे, 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 49 a², क्लियर, 8b, 8 का स्क्वायर 64, b² माइनस, ये तीनों हमारा गुणे में मल्टीप्लाई में है, 2 × 7 = 14, 14 × 8 = 112, ab, क्लियर। देखिए ये देखो तीनों हमारा क्या डिफरेंट डिफरेंट है ना, हमारा a² है प्लस b² है माइनस 112 ab, ये तीनों हमारा ऐड नहीं होगा। तो इसी तरह आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, आपको हमने केवल 2 फॉर्मूले बताए, अभी और भी फॉर्मूला हमारा है, आपको अगले चैप्टर में हम बताएंगे 2.4 में, तो इसीलिए 2.3 आपका हो गया ना, 2.4 में आपको बताएंगे a - b का a² - b² का फॉर्मूला सिखाएंगे। तो हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू दोस्तों।